और प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए कल मतदान होगा, लेकिन अभी तक किसी भी विधायक ने खुलकर यह बात नहीं स्वीकार की कि बीजेपी की ओर से उन्हें प्रलोभन दिया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रामनारायण मीणा का कहना है कि पार्टी ने एहतियातन के तौर पर अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए बाड़ेबंदी की है। इस दौरान विधायक रामनारायण मीणा से खास बातचीत की संवाददाता दिनेश कसाना ने। प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों को लेकर हो रहे राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ कांग्रेस के विधायक रामनारायण मीणा। मीणा साहब, लगातार जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है, किस पार्टी की ओर से दिया जा रहा है और आपके सामने कुछ ऐसी जानकारी है आपको या आपके पास फोन रहे हैं? देखिए, ये आम पब्लिक का चुनाव नहीं है, ये चिन्हित व्यक्तियों का चुनाव है। बीजेपी हो या निर्दलीय हो, RLD हो या कांग्रेस हो, जो वह चिन्हित है, यदि दूसरे को वोट देते तो उनकी सदस्यता जा सकती है। ऐसी स्थिति में बीजेपी को ये प्रयत्न नहीं करना चाहिए कि पैसे के बलबूते पे या किसी भी तरह से डरा धमका करके विधायकों को अपने पक्ष में लेने की जो कोशिश की है, जिस प्रकार से उन्होंने मध्य प्रदेश में की है, गुजरात में की है, पहले गोवा में किया था, कर्नाटक में हुआ, तो जो स्थितियाँ बनी हुई है उन स्थितियों के बावजूद भी राजस्थान में कांग्रेस खेमे का एक भी विधायक कहीं जा नहीं रहा है। सब विधायक अपने ढंग से आ रहे हैं, जा रहे हैं, फील्ड में भी जा रहे हैं, लेकिन स्पष्ट हो चुका है बीजेपी अपने मंसूबों में पैसे के बलबूते पे जो खेल करना चाहती थी वो मध्य प्रदेश और गुजरात की तरह यहाँ खेल नहीं होने जा रहा है। निश्चित तौर पे कांग्रेस अपनी दोनों सीटें जीत रही है, एक सीट जरूर बीजेपी जीतेगी। संख्या बल है और दोनों सीटें जीत रही हैं, लेकिन जिस तरह के आरोप कांग्रेस लगा रही है कि उनके विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है, उस पर कितनी सच्चाई? देखिए, ये चीफ व्हिप ने हमारे महजी जोशी ने SOG को लिख के भी दिया है और ये चर्चाएं भी है, लगता है इसमें सच्चाई है। और यदि ऐसा है तो बीजेपी को राजनीति को के में काला दिन लाने की जो कोशिश है, जब से बीजेपी पावर में आई है दिल्ली में तब से कुछ हो रहा है, ये ठीक नहीं है, इसको प्रजातंत्र के लिए शुभ नहीं माना जा सकता। आपके पास कोई जानकारी है ऐसी, आपके साथियों के पास इस तरह के फ़ोन आया? देखिए, मैंने इस बारे में जानकारी भी नहीं की। मैंने तो विधायकों से जो मिलना हुआ वो निश्चित तौर पे कांग्रेस के विधायक जो यहाँ हैं हम सब वो इंटेक्ट है और किसी के मन में कांग्रेस के प्रति दुराव करते ही भी नहीं है। संख्या बल आपके पास है, 2 उम्मीदवार आपके पास हैं, लेकिन सरप्लस संख्या बल है, विधायकों को 10 जून से यहाँ पर रखा जा रहा है, क्या कारण है विधायकों को यहाँ पर रखा जा रहा है? देखिए, ये गुजरात का उदाहरण भी कांग्रेस के सामने है, क्योंकि चिन्हित है, पार्टी स्तर पर वोट देना होता है, फिर बीजेपी ने किस कारण से संख्या बल नहीं होते हुए भी दूसरा उम्मीदवार उतारा है, तो ये कहीं मध्य प्रदेश की तरह बेईमानी नहीं कर दे, गुजरात की तरह पैसा दे करके विधायकों को इस्तीफा नहीं दिला दे, या दूसरी स्टेट्स में भी जिस तरह से बीजेपी ये कर रही है, वर्तमान में जो कुछ खेल कर रहे हैं पैसे के बलबूते बीजेपी कर रही है, इसलिए कांग्रेस ने सतर्कता के तौर पर अपने लोगों से कोई मन की बात हो उसको टटोलने और एक जगह बैठ करके विचार विमर्श करके, क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से वोटों को पेन डाल करके गलत ढंग से किया और ये पिछले सालों में जो हरियाणा में जो कांड हुआ है उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए उनको प्रशिक्षित करना, साथ बैठ करके एक दूसरे को सारे गुण उसको बता करके कांग्रेस अपनी सीटों को बीजेपी के चुगुल्स में नहीं आते हुए, क्योंकि वो कोई भी इलेक्शन कमीशन क्योंकि दिल्ली के इशारे पे चलता है, इसलिए कहीं कोई त्रुटि नहीं हो जाए, ये सारा देख करके कांग्रेस ने अपने विधायकों को इंस्ट्रक्ट किया है कि आप आकर के यहाँ बैठिए, समझिए, तो विधायक आ रहे हैं जा रहे हैं। क्या समझाया जा रहा है? ये बार बार कहा जा रहा है कि विधायकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है? बैठ करके इसमें ये भी है कि बीजेपी के कारनामे क्या है, आज चीन के बारे में भी चर्चाएं हुई है कि जिस तरह से हमारा देश कमजोर हो रहा है, आपके जिस प्रकार से अरुणाचल में बॉर्डर को छोटा कर दिया गया है, ढोकला में जो कुछ घटनाएं हुई है, ये सारी बातें देखी जा रही है। और बीजेपी का फेल्योर, विशेषतः नरेंद्र मोदी का जो फेल्योर है, नरेंद्र मोदी की जो शासन में सरकार जो कमज़ोर हो रही है, देश कमज़ोर हो रहा है, वो नोटबंदी हो या अर्बन डेवलपमेंट की बात हो या ग्रामीण डेवलपमेंट की बात हो, ये सारी चर्चाएं हो रही है। हमारे लीडर्स दिल्ली से आ रहे हैं और अभी भी लीडर्स, 9 बजे भी मीटिंग है और हम सब बैठ के एक तक है। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक है रामनारायण मीणा, जिनका कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या बल है और राज्यसभा की दोनों सीटें कांग्रेस जीतेगी। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ दिनेश कसाना, A1 TV, जयपुर।